तब हम सिग्नल को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग। क्या ऑडियंस को लगता है कि अर्जुन रामपाल की जगह होना चाहिए कोई और? क्या अर्जुन की दूसरी गर्लफ्रेंड ने की थी गड़बड़? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। जैसा कि हम जानते हैं कि फैंस इस समय अपनी फेवरेट मूवीज के रीमेक की रिलीज की तैयारी में है। हर कोई काफी एक्साइटेड है इन मूवीज के लिए, जिनमें से कि आंखें 2 भी है लाइन में। जी हाँ, आंखें 2002 में आई थी और काफी बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से वापस आ रही है ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पे अपने फैंस के होश उड़ाने। फिल्म आंखें 2 एकदम अलग होगी आंखें के ओरिजिनल पार्ट से। और अब जब हम बात कर ही रहे हैं आंखें 2 की, तो क्यों ना इसकी स्क्रिप्ट के ऊपर चर्चा कर लें। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अर्जुन प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में मेन लीड, तो आपको बता दें कि मेकर्स हैं इस डिसीजन को लेकर थोड़े डाउटफुल, क्योंकि अर्जुन रामपाल आज से पहले इतने ज़्यादा पॉजिटिव सेंटर्ड रोल में नहीं दिखे गए हैं। उनका जेनरे हमेशा से ही इंडस्ट्री में अलग रहा है, और एकदम से स्टीरियोटिपिकल जेनरे में कदम रख देना क्या अर्जुन को पड़ सकता है भारी? क्या ऑडियंस के लिए ये देखना अटपटा हो जाएगा कि अब अर्जुन भी टिपिकल रोल्स में आ गए हैं? इस बात का डर तो मेकर्स को ही है। अब देखना यह है कि क्या ये डर सही साबित होता है। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि कैसे अर्जुन अपने पुराने प्यार को अपने नए प्यार के आगे भूल जाते हैं, लेकिन क्या ये नया प्यार वर्थ इट है? असल में अर्जुन की नई गर्लफ्रेंड इनके अगेंस्ट ही होती है और सीक्रेटली पार्ट होती है उनके अगेंस्ट वेंडेटा का। और जब शुरुआत में अर्जुन इनके करीब आने लगते हैं तो तब भी ये उनके अगेंस्ट रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी अर्जुन के लिए फील करने लगती हैं, जिसकी वजह से इनका काम मुश्किल हो रहा होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये सच बता पाएंगी अर्जुन को, और क्या अर्जुन उसके बाद भी रहेंगे इनके साथ? आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ ही साथ हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो काफ़ी मदद करेगी आपके टैलेंट को एक और सुनहरा चांस देने में। जी हाँ, तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।